तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको एक फुल्ली ऑटोमेटिक फूड फार्म जो कि आपके खाने की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें लगने वाले हैं ये सारे आइटम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक वाटर बकेट प्लेस करना है, देन उसके ऊपर लगा देना है एक कंपोस्टर और उसके बाद जो मैं आपको हो से चार ब्लॉक तक जगह क्लियर कर लेना है चारों साइड में। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, देन ये सारी जगहों को आपको कंबाइन कर देना है। तो ये आपका फाइनल लुक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक ब्रिक ले लेना है या कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक ले लेना है और आपको चारों तरफ से बाउंड्री कर देना है। एक ब्लॉक आप किसी भी कॉर्नर में छोड़ सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर बनाने वाले हैं अपना स्टोरेज सिस्टम। देन उसके ऊपर आपको एक और ब्लॉक लगा देना है। तो देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। देन हमने जो ब्लॉक छोड़ा है वहां पर जाना है, दो ब्लॉक नीचे तक माइन करना है, सबसे नीचे लगाना है चेस्ट, उसके ऊपर लगेगा एक हॉपर, देन उसके ऊपर लगाना है आपको एक रेल जो कि वॉल की तरफ फेस करती हुई होना चाहिए, उसके ऊपर लगा देना है आपको माइन कार्ट विद हॉपर इस कुछ इस तरीके से और नीचे की रेल को आपको ब्रेक कर देना है। तो अब ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन आपको लगाना है एक ट्रैप डोर और ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा और उसके ऊपर आपको फिर पूरा स्लैब से कवर कर देना है बाउंड्रीज को। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देन आपको उसके साइड में आना है और 7 ब्लॉक तक काउंट करना है माइन कार्ट से और 7th ब्लॉक में वाटर बकेट से पानी डाल देना है, उसके ऊपर लगाना है कंपोस्टर, देन सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। अब फिर से लगा देना है चेस्ट, एक हॉपर, एक रेल और उसके ऊपर माइन कार्ट विद हॉपर, देन रेल को ब्रेक करना है, फिर लगाना एक ट्रैप और फिर स्लैब से पूरा कवर कर देना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो बीच में जगह बची हुई थी उसको दोनों तरफ से ब्लॉक कर देना है क्योंकि हम एक ब्लेजर को लाके यहाँ पर रखेंगे और जो भी आपको कैरेट और पोटेटो में से लगाना है उसे आपको यहाँ पर लगा देना है। तो ये तैयार हो चुका है आपका फार्म, बस आपको विलेजर्स को लाना है। एक विलेजर्स को इस वाली जगह पर रख देना है तो वो अपनी जॉब ऑटोमेटिकली ले लेगा और सेम आपको दूसरी जगह पर भी करना है। और तीसरा विलेजर जो रहेगा उसे हम रखने वाले हैं यहाँ पर बीच में और अब इस जगह को ऊपर से हम कवर कर देंगे। तो ये कम्प्लीट हो चुका है आपका फार्म, बस हमें स्टोरेज सिस्टम में जाने के लिए एक छोटी सी जगह बनानी है। तो आपको यहाँ पर प्लेस करना है 3 लैडर, देन उसके बाद आपको सीधा स्ट्रेट आगे की तरफ जाना है। तो देख सकते हैं आप एक्सेस कर पाएंगे अपने चेस्ट और ले पाएंगे अपना खाना। अब वापस से ऊपर जाना है और इसको कवर कर देना है ट्रैप डोर से ताकि कोई क्रीपर वगैरह ना घुस पाए। तो गाइस ये था हमारा एक ऑटोमेटिक फूड फार्म। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।